एवरीवन, आप सबको मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी शेयर करके दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, मैंने अपने घर पे ट्राई किया है, मैंने अपने घर के परिवारों को सबको खिलाया है, सब ने बताया बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो गाइस, मैंने पनीर की भी बनाई थी सब्जी, पनीर की सब्जी भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी ये मैंने बनाई थी। तो गाइस, आप लोग सोच रहे हैं तो ये पनीर की सब्जी, परवल की सब्जी हेल्दी कैसे हो रही है, क्योंकि मैं आज एकदम टोटली ऑयल फ्री बनाऊंगी, ऑयल के बिना ये सब्जी बनाऊंगी। ऑयल हेल्थ के लिए बहुत ही मतलब हानिकारक होता है। तो गाइस, आइए मैं आप लोगों को आज एक हेल्दी रेसिपी ऑयल के बिना परवल की सब्जी बना के दिखाऊंगी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, आइए मैं आप लोगों को ये डिश बना के दिखाती हूँ। तो परवल की सब्जी बनाने की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं ये पहले बता देती हूँ। मैंने ये परवल को दो पीसों में अच्छे से धो के छिलका उतार के उसको दो पीसों में काटा है। और ये आलू को मैंने एक आलू, बड़ी आलू ली थी, उसको ये पतली पतली इस तरह से मैंने काटा है। ये है सब्जी मसाला, ये है धनिया पाउडर, ये है हल्दी और नमक, दो हरी मिर्च है, ये है धनिया पत्ता, आधी कैप्सिकम बारीक काटी हुई है, कुछ कड़ी पत्ता है, ये है जीरा पाउडर, तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता और कुछ शुगर के दाने हैं, और ये है टमाटर, और ये है साबुत जीरा, हींग, और ये है दही। तो आइए मैं आप लोगों को ये रेसिपी शेयर करके दिखाती हूँ। तो चलिए गाइस, ओवन में कढ़ाई बिठाने के बाद पहले वो थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाएगा, उसमें ये साबुत जीरा दे दीजिएगा, ये जीरा को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। जब तक ये मतलब चटकने में नहीं लगता है तब तक इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। देखिए ये चटकने लगा है, अब इसमें आलू को दे दीजिए। इसको थोड़ा सा कम आंच में इसको फ्राई कीजिए। इसमें तेज पत्ता दे दीजिए, इसको फ्राई कीजिए। देखिएगा ये फ्राई करते करते नीचे लग ना जाए, मतलब ये ऑयल के बिना बना रही हूँ, इसीलिए इसको थोड़ी सी अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। किस तरह से, इसमें थोड़ी थोड़ी करके पानी दीजिएगा, ये मैं पानी से बनाऊँगी, ऑयल के बदले मैं पानी से इसको आलू को फ्राई करूँगी। को चलाते रहिए, देखिएगा नीचे से एकदम जल ना जाए, अगर इसका पानी कम हो जाए, नीचे में एकदम पानी नहीं रहेगा, तो आप फिर से थोड़ा सा इसको पानी इसमें दे दीजिएगा। ये बहुत एक हेल्दी रेसिपी है, आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, बना के देखिए, देखिए ये बहुत ही अच्छा बनेगा, सबको पसंद आएगा। तो इसको तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये थोड़ा सा बॉयल नहीं हो जाता है। देखिए ये आलू फ्राई हो रही है, तब तक इसमें परवल को भी छोड़ दीजिए। पहले आलू को थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा, उसके बाद परवल को भी एक साथ फ्राई कर लीजिएगा। परवल और आलू को एक साथ इसको फ्राई कीजिए, देखिएगा पानी एकदम कम ना हो जाए। देखिए इसमें पानी फिर से कम हो चुका है, देखिए इसमें पानी नहीं है,
फिर से मैं इसमें थोड़ी सी पानी दे दूंगी। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। ये बहुत एक इजी रेसिपी है, आपके घर में सब कुछ रहता है, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, हींग रहता है, सब कुछ रहता है, आपको बाहर से खरीदने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। टमाटर ये सब तो रहता ही है, तो आप अपने घर पे इसको बनाइए। देखिए ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। देखिए गाइस, ये आलू और परवल अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में उतारूंगी। इसको फ्राई करने के लिए पानी में इसको फ्राई करने के लिए आपको 10 मिनट लगे हैं। मैं इसमें दूंगी टमाटर और ये कैप्सिकम, ये मिर्च भी दे दूंगी, हींग इसको उसमें दे दूंगी और ये कुछ करी पत्ता अभी दूंगी। देने के बाद इसको थोड़ा सा और फ्राई कीजिए, टमाटर को और इसको कैप्सिकम को, क्योंकि इसमें टमाटर में तो थोड़ा पानी रहता है, तो ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अब इसमें हल्दी और नमक दे दीजिए। ये जीरा पाउडर दे दीजिए, धनिया पाउडर दे दीजिए और ये सब्जी मसाला इसको भी दे दीजिए। देने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। ये सूखी है इसीलिए इसमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इसको थोड़ा सा फ्राई कीजिए। अब मैं इसमें ये थोड़ी चिली पाउडर और ये शुगर फ्री इसमें दे दीजिए। देने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको इसमें दे दीजिए परवल को। और इसमें थोड़ी सी दही को छोड़ दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए। इसको और 5 से 10 मिनट तक थोड़ा सा ढक के पकाइए। देखिए मेरी ये आलू परवल की ये सब्जी लगभग बनके तैयार है। उतारने से पहले मैं इसमें थोड़ी सी ये करी पत्ता दूंगी। उसके बाद इसमें गरम मसाला दूंगी। देने के बाद ये मेरी आलू परवल की ये सब्जी अब बनके तैयार है। देखिए बहुत ही अच्छी एक कलर आई है, तो ये थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं आप लोग को ये सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये आलू परवल की ये सब्जी अब बनके तैयार है। ये थोड़ी सी ऊपर से धनिया का पत्ता दे दीजिए गार्निश के लिए। देने के बाद देखिए ये बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो गाइस आप अपने अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय।